नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात ग्लोबल वार्मिंग की। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक अगले 4 वर्षों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। ऐसी गर्मी आपने अभी तक कभी महसूस नहीं की होगी। पृथ्वी का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा और जितनी गर्मी आपने अब तक महसूस करी होगी उससे कहीं गुना ज्यादा गर्मी का एहसास आपको अगले 4 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में हो सकता है। कई दशकों के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें उन दुष्प्रभावों को भी बताया गया है कि इस गर्मी का क्या दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है और आम आदमी इससे किस तरीके से प्रभावित होगा। इसका जो प्रभाव है वो दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा होने की आशंका भी जताई गई है, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही बहुत गर्म क्षेत्र है और यहां पर 60% की जो आबादी है वो कृषि कामों में जुटी हुई है, जो अक्सर घर से बाहर जाकर ही काम करते हैं। ऐसे में जो लोग प्रभावित होंगे उसमें दक्षिण एशिया के वो किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है। अगर खेती प्रभावित होगी, आजीविका प्रभावित होगी, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और जीवन शैली प्रभावित होगी। ये आकलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूरी दुनिया है उसकी 1/4 आबादी दक्षिण एशिया क्षेत्र में ही रहती है। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2016 का वर्ष वो वर्ष था जिस साल सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हुआ था। अगर ये गर्मी लगातार बढ़ती है तो और क्या क्या हो सकता है, इसका भी हम आज विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। अगर गर्मी बढ़ती है तो पहाड़ों में जमी बर्फ, जिन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है, वो बहुत तेजी से पिघलेंगे। उनका पानी नदियों में आएगा और वो पानी समंदर में जाएगा और समंदर का जल स्तर बढ़ेगा। समंदर का जल स्तर बढ़ने के अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि या तो बहुत सारी बारिश एक ही क्षेत्र में होगी या बहुत सारे इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा होंगे या बहुत कम बारिश होगी। इस तरीके की परेशानी से 2-4 होने के लिए अब सैकड़ों वर्षों का समय नहीं है, ये आने वाले 4 वर्षों का आकलन किया गया है। अब बात आती है कि आखिर पृथ्वी का तापमान बढ़ क्यों रहा है। बहुत साल से जो पृथ्वी है उसमें बसे हुए लोग तमाम तरीके की आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं। उस जीवन शैली को जीने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, फैक्ट्रियों से उत्पादन होता है। फैक्ट्रियों में जब उत्पादन होता है तो कई प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे पूरा का पूरा प्रदूषण वातावरण में फैल जाता है और उसी का असर गर्मी के रूप में दिखाई देता है। 2015 में पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि दुनिया के तमाम विकसित या औद्योगिक देश और साथ साथ विकासशील देश अपने फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण लगाएं। वो किस तरीके से नियंत्रण लगाएं उस पर हालांकि बहुत माथापच्ची हुई, उस पर बहुत विवाद भी हुआ। कुछ देश उस समझौते से बाहर भी आ गए, लेकिन हकीकत यह है कि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसका कारण हमारी जीवन शैली ही है, मशीनों से होने वाले उत्पादन और उसके कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान या प्रदूषण ही उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आज का ये वीडियो था ग्लोबल वार्मिंग पर। आने वाले दिनों में इसी तरीके के कई और वीडियो आपके सामने हम पेश करेंगे। आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook को लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।